अगर आप होंडा एक्टिवा परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए। आज मैं आपको होंडा एक्टिवा के जो नया वेरिएंट है BS6 यानी कि होंडा एक्टिवा 6G उसके बारे में डिटेल रिव्यू देने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम चले जाते हैं लुक्स की तरफ। तो यहाँ पे लुक्स में आपको मोटा मोटी तौर पे अगर आप एक बार देखेंगे तो ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? लेकिन यहाँ पे चेंज किया गया हुआ है। अब अगर आप पुरानी एक्टिवा 5G आती थी वो और नई एक्टिवा 6G दोनों को साथ में खड़ी करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इन दोनों के जो शेप है वहां पे थोड़ा ज्यादा चेंजेस किया गया हुआ है। जो नई वाली एक्टिवा 6G है उसका जो फ्रंट बोनेट और रियल की टेल लैम्प जो है वो पुरानी एक्टिवा से थोड़ी ज्यादा शार्प कर दी गई है, जिससे कि उसकी एरोडायनामिक्स पोजीशन ज्यादा अच्छी हो गई है। अब एरोडायनामिक्स पोजीशन ज्यादा अच्छी होने का फायदा ये होता है कि आप जब भी थोड़ी हाई स्पीड में जाएगा तो पुराने एक्टिवा से 6G में आपको स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा प्रोवाइड कर देगी। होंडा एक्टिवा है वो है इंजन स्पेसिफिकेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, जो पुराना होंडा एक्टिवा 5G आता था वही सेम इंजन इस बाइक में आपको 6G में प्रोवाइड करवाया गया हुआ है। हालांकि ये BS6 नॉर्म्स के साथ अपग्रेड हो चुका है और साथ ही में यहाँ पे उसके भी बहुत सारे जो फायदे और दो ऐसे पॉइंट भी है जो इसमें नए वाले इंजन में ऐड किए गए हो, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर क्या देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर ले, यहाँ पे आपको 110cc का फैन कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन प्रोवाइड करवा दिया गया है, जो कि आपको 8.79 nm की पावर प्रोवाइड करता है, टॉर्क प्रोवाइड करता है और साथ ही में 77.79 PS की आपको पावर प्रोवाइड कर देता है। यानी कि इंजन पावर और टॉर्क के मामले में बेहद ही बेहतरीन रहा और पहले से ही ट्रस्टेड इंजन यहाँ पे आपको दे दिया गया है, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म बाइक चलानी है तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चले जाते हैं इसके जो सस्पेंशन सेटअप है, वो सस्पेंशन सेटअप एक ऐसी चीज है जो कि बाइक की राइडिंग क्वालिटी और साथ ही में स्टेबिलिटी दोनों पे ही इफेक्ट करता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में वही पुराना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पुराने वीडियो में मुझे कॉमेंट किया था कि इसमें भी हाइड्रोलिक, तो जी नहीं, जो होंडा एक्टिव आता है उसका फ्रंट सस्पेंशन हाइड्रोलिक नहीं दिया जाता, वहाँ पे सिर्फ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम चले जाते हैं इसके रियर सस्पेंशन सेटअप की तरफ, तो वहां पे आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग वाला और हाइड्रोलिक, रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन 3-स्टेप एडजस्टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे क्या फायदा होगा कि आप अपनी बाइक लेके जाएंगे तो 5G के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी और रोड प्रेजेंस फील होने वाली है, वो आपको चला के ही पता चलेगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे आपको 5G के मुकाबले 6G में आपकी जो गड्ढों पे राइड होगी वो भी काफी हद तक वहां पे कम हो जाएगी, आपको अच्छी खासी सॉफ्टनेस वहां पे। जो नया सस्पेंशन ब्रेकिंग के बारे में, ब्रेकिंग भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि बाइक पे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपकी बाइक में अच्छी ब्रेक नहीं लगी तो आप उसे तेज भी नहीं चला पाओगे और लंबे टाइम तक भी नहीं चला पाओगे, लेकिन होंडा एक्टिवा में ब्रेकिंग की कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई। यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर दोनों में 130mm का ड्रम ब्रेक प्रोवाइड कर दिया गया है विथ CBS सिस्टम। अब मेरे को एक कंफ्यूजन यहाँ हमेशा से रहा कि क्यों होंडा यहाँ पे डिस्क ब्रेक जो है उसको पेश नहीं कर देता। अगर वहाँ पे डिस्क ब्रेक वाला एक वेरिएंट प्रोवाइड कर देता वो तो ज्यादा अच्छा हो जाता। कहीं लोग ऐसे हैं जो डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट के लिए वेट करके बैठे, यहाँ पे होंडा को 6G में जरूर से डिस्क ब्रेक अवेलेबल करवा देना था। अब मैं बता दूं आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम क्या होती है, उसका काम क्या है। अगर आप कोई भी एक ब्रेक प्रेस करोगे किसी भी एक साइड की तो दोनों ही टायरों पे सेम प्रेशर पे सेम ब्रेक अप्लाई होगी, जिससे कि आपकी बाइक स्लिप होने के चांसेस कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे अभी CBS भी प्रोवाइड कर दिया गया है, हालांकि वो 5G में भी आता था लेकिन यहाँ पे इसे ड्यूट्यून किया गया है, जिसकी वजह से उसकी जो पहले से पावर है वो ज्यादा होगी और आपको ब्रेकिंग में भी अच्छा खासा फर्क महसूस होने वाला है पुरानी एक्टिवा के टायर की तरफ। तो टायर तो आपको दोनों ही ट्यूबलेस मिलने वाले हैं और डिस्क व्हील मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे भी ये दिक्कत होंडा एक्टिवा में एक माइनस पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि अभी सारी जो 110cc ज्यादातर स्कूटर जो आते हैं वहां पे उन्होंने अलॉय व्हील, जैसे कि हीरो की ड्यूएट मैस्ट्रो हो गई, जुपिटर इसका मेन कॉम्पिटिटर हो गया, सारे में अलॉय व्हील प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन होंडा 6G अब भी आपको डिस्क व्हील में मिलने वाली है। हालांकि वहां पे अगर वो एलॉय व्हील प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो बता देता हूँ कि इसमें जो प्लस फीचर, जो सेगमेंट प्लस फीचर दिए गए हैं वो क्या है। आपको यहाँ पे एक तो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाता है जो कि ज्यादातर जुपिटर जैसे कॉम्पिटिटर भी पहले से ही दे रहा है, लेकिन अब होंडा एक्टिवा होंडा वालों ने इसे भी ध्यान में रखते हुए 6G में भी अब आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिल दे दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपको अपनी बाइक से नीचे नहीं उतरना होगा अपनी बाइक में फ्यूल डलवाने के लिए। यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है एक बहुत ही साइलेंट इंजन, यानी कि यहाँ पे आपको जो नया इंजन है उसमें यही चेंज मैं आपको बताने वाला था कि साइलेंट स्टार्ट इंजन मिल जाने वाला है।
आप जब भी 2 या 3 बजे भी अपनी बाइक रात को स्टार्ट करोगे तो उसके इंजन में से जरा भी आवाज नहीं आने वाली, एकदम स्मार्टली और साइलेंटली आपकी बाइक स्टार्ट होने वाली है। साथ ही में यहाँ पे जो सेगमेंट प्लस फीचर माना जाएगा वो ये होगा कि यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट टॉप स्विच दे दिए। अब आपको क्या करना होगा, चाबी ऑन करके फिर वो जो स्विच दी होगी उसे भी ऑन करना होगा, फिर आप अपनी बाइक का सेल यूज कर पाएंगे। ये एक बहुत ही स्मार्ट जो डिसीजन है होंडा वालों ने लिया, क्योंकि ये फैसिलिटी सिर्फ सुपर स्पोर्ट्स बाइक आती है हायाबुसा जैसी बड़ी बड़ी बाइक में, कावासाकी Z800 वैसी बाइक में प्रोवाइड करवाई जाती थी, लेकिन अब आपको 110cc वाले कॉम्यूटर सेगमेंट स्कूटर में भी दिए गए हैं। होंडा की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मुझे लगी। अब साथ ही में हम बात कर ले कि इसके फ्रंट और रियर लुक शार्प करने की वजह से यहाँ पे एक चीज और प्लस हो चुकी है कि आपको यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि इसके एरोडायनामिक पोजीशन ज्यादा बेटर हो चुकी है। और एक पॉइंट जो है, BS6 नॉम में इंजन कन्वर्ट होने की वजह से पुराने एक्टिवा के मुकाबले जो नई वाली एक्टिवा है वो आपको ज्यादा एवरेज निकाल के देने वाली है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे हो गई। और पॉल्यूशन भी वहाँ पे पुरानी जो BS4 इंजन करता था उससे BS6 इंजन बहुत ही कम पॉल्यूशन करेगा, जिससे इसको नीचे देख पा रहे हो। ऐसे हम पूरा कंक्लूजन निकालते हैं, बेहतरीन पैकेज होंडा की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि 2-3 कमियां हैं, जैसे कि एलॉय व्हील्स और दूसरी 2-3 कमियां हैं जो ज्यादा, यानी कि फोन चार्जर दे दिया जाता है या फिर फ्रंट में कोई हुक दे दिया जाता है जैसे जुपिटर में दिया जाता है, वो ज्यादातर लोगों के लिए कोई इफेक्ट नहीं करती। इसीलिए होंडा एक्टिवा एक बेहतरीन पैकेज हो जाता है इन दिस प्राइस रेंज। अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको जरूर से कोई भी व्हीकल खरीदे, यानी बोल रहा हूँ होंडा एक्टिवा भी आप खरीदने जा रहे हैं, होंडा की इंडिया की पॉपुलर बाइक है, नो डाउट आप बिना देखे खरीद सकते हो उसे, लेकिन आप उसकी एक बार से जरूर से टेस्ट राइड ले लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके लिए वो बाइक अच्छी खासी प्रोटेंशन है और रोड प्रोटेंशन प्रोवाइड कर रही है। हमारी आज की वीडियो है, होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन